गुची उठ गया है सुबह सुबह, मैं गुची को नहलाऊंगी। गुची, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल रकनीत व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये वाली गुड मॉर्निंग है इंडिया से, हमारे घर से। आप बैकग्राउंड देखकर समझ ही गए होंगे, घर काफी दिन बाद है आपको, मम्मी पापा बहुत दिनों बाद देखेंगे। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट कर चलते हैं मम्मू के पास। मम्मू नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? बढ़िया एकदम। मिस किया? बहुत किया। लोगों ने तो आपको बहुत मिस करा यार। अच्छा हाँ, अच्छा आपने जो साड़ी पहनवाई नीतू को, उसकी प्लेट उल्टी लगी थी, कोई ध्यान नहीं, किसने मम्मी बना दिया आपको यार? क्या प्लीट? अच्छा यार मुझे नहीं पता, मैंने कमेंट में देखा तो मुझे लगा प्लेट होती है वो। अरे हाँ, जैसी भी पहन तो ली, मतलब पहली बार उसने पहनी है। लगी तो सुंदर है, मेन मेन मुद्दा ही है। मुद्दा तो मम्मी आपने नीतू का वो तो देख ही लिया होगा, नया सियापा ब्रेसलेट खो दिया। हाँ। देख लिया? नहीं है तो आप व्लॉग नहीं देखती टाइम से? व्लॉग देखती हूँ, मुझे क्या पता कब खो दिया, एक आध रह भी गया होगा। दो ब्रेसलेट? हाँ हाँ, तो दिन नहीं 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 खोया होगा। आपकी कसम? आपकी कसम? अभी रुको, अभी मैं आपको जरा व्लॉग दिखा देखो, रुक जाओ। नीतू मेरी बहुत डांट पड़वाती है। नीतू देख, अब मैं मम्मी को जरा व्लॉग खोल खोल के दिखाता हूँ कि हुआ क्या। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरा नहीं, नीतू का। मुझे काउंट मत करो उसमें, मैं ब्रेसलेट थोड़ी पहनता हूँ। मम्मी एक और ब्रेसलेट है, एक तो ऐसा है आपके जैसा, ठीक है, कार्टियर वाला। एक है जिसमें लॉक लगता है ऐसे गोल गोल, ऐसी छल्ला, जो एक बार आपसे खुलवाया था, मेरे से खुल भी नहीं रहा था। अच्छा, रखने की क्या जरूरत है? पहनने की जरूरत थी, मैं बता, जो घूमने जा रहे हैं और फिर कह रही है मॉम ने कहा था ये पहन के मत जाइयो, निकाल के जाइयो, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी सब चीज कह रही है, मान भी रही है लेकिन सुनती नहीं। सही करा। व्लॉग दिखाऊं एक बार आपको? दिखा दो। चलो अब चलेगा तांडव। हां मॉम नमस्ते, मैं आ रही हूं, आई हूं अभी। अच्छा सुन, वो कहां है ब्रेसलेट? कहां तेरा? मैंने व्लॉग में देखा, ब्रेसलेट कहां? अभी आ रही हूं मैं आपके पास ही। नहीं आ तो रही है, ब्रेसलेट तो बता दे कम से कम, बोल बंद हो गए। अरे बोल जा, वो मैं आपको आकर बताऊंगी। अच्छा बता दो। शीरो शीरो तो बहुत, अरे आजकल भी है बहुत कुछ में दोनों आज। तो मित्र जनों, मैं जा रहा हूँ अभी जरा नीतू को लेने, क्योंकि रात को ना मैं उसी की गाड़ी लेकर आ गया था, बिकॉज मुझे आना था। वो देखो उसी का फोन है। समय की अच्छी बात है कि समय कभी एक सा नहीं रहता, दूसरों को इंतजार कराने वाली आज खुद मेरा इंतजार कर रही है। वाह, आ जा। तो अभी मैं जा रही हूँ मॉम के पास और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि वो मुझे डांटेंगे कि मैंने अपना ब्रेसलेट वहीं पर भूल गई हूँ। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा डर लग रहा है, बट मुझे जाना पड़ेगा यार, आज नहीं तो कल मुझे जाना ही पड़ेगा, फेस करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलते हैं मॉम के पास सारे गिफ्ट्स लेके, जो जो मैं लेकर आई हूँ, उनके कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं लेकर आई, चॉकलेट्स वगैरह जो भी लेकर आई हूँ वो लेकर चलते हैं मॉम के पास और देखते हैं सामने क्या हो रहा है। खुशी और विवेक भैया उठे या नहीं, देखते हैं ये लोग उठे हैं या नहीं। हेलो ब्रो, गुड मॉर्निंग। उठ गए आप? कितने बजे उठे? अभी उठे थोड़ी देर पहले। और खुशी कहाँ है? खुशी बहुत। इसको देखो, इसको कितना खुश हो रहा है। अच्छी, मैं थोड़ा प्यार कर दो उसको, देखो कैसे पूछ हिला रहा है। भैया क्लीन लग रहा, नहीं लग रहा, अभी नहीं लाया मैंने इसको। जाने क्या होगा रामा रे, आज पता चलेगा। बम्बू सिंह, वेयर आर यू? हाय मॉम, नमस्ते। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो चलो, क्या बात है मम्मी बता दो। अब पूछूंगी, अब बताएगी। क्या कह रही हो मम्मी? इतनी देर में बहुत कुछ रट्टा लग रहा है, अब ये सोच सोच का मुझे क्या कहना है जाके। बहाने बना ला ही। बहुत सारे गिफ्ट दिए ना मुझे तो। गिफ्ट ही गिफ्ट है तो। नीतू सामने गिफ्ट रख दियो। नीतू क्या क्या लाई मेरे लिए? मैं लाई हूँ आपके लिए चॉकलेट, क्योंकि आप बहुत कमजोर हो रहे हो, इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारे चॉकलेट लेकर आई हूँ। किंडर का लाई हूँ, देखना ठीक है। अब सुनो, हाँ चॉकलेट ठीक है, और ये तो पाई का सामान है। ये मुझे किसी ने भी खाते हुए देखा हो आज तक, ऐसी चीजें। अरे मैं लेकर आई हूँ, आप खाओगे ना? ठीक है, आज तक मुझे ऐसी चीजें किसी ने भी खाते हुए। अच्छा ये बिस्किट है, ये कहाँ के है? देखो मॉम ने ब्लैक पहना है। हाँ। तो मैं, मुझे पता था मॉम इस दिन ब्लैक पहनेगी, इसलिए मैं मॉम के लिए ले कर आई। बहुत सुंदर है। वाव, अरे और लिपस्टिक लेकिन ये बात है, बिस्किट वगैरह क्यों खिलाएगी, मोटा करेगी। हाँ। आप बहुत कमजोर हो गई इसलिए। लिपस्टिक चेक करो कैसी लग रही है। ये तो बहुत सुंदर लग रही है, कलर भी मेरा फेवरेट है। लगा देगा अब तो, लग रही है पहले से ही, मुझे पता ही नहीं। नहीं आज तक ऐसे पहुंच गई, फॉर्मेलिटी लगवाई थी फिर भी। अच्छी लग रही है मम्मी? सही लग रही है, ऊपर लगा था। मैंने महरून लगा, लेकिन अच्छी है बहुत। मम्मी लेकिन ये सब कब खाती हो आप, न्यूट्रेला और ये क्या क्या लाई है? ये कब खाती हूं ये मैं नीचे से पूछना चाहूंगी। अब खा लेना, ये किसके है असली बता दो। अब खा लेना ना, नहीं बता दो, बता दो। अब जैसे ये तो मेरे को दिखा दिए हिला के, ये बाकी सबके लिए। नहीं किसके, ये सोनी के हैं। नहीं सोनी दीदी के एक है, आपका एक है और लोगों का है। और लोग कितने, कौन कौन बचा? विक्की खाता नहीं, करण खाता नहीं, जो खाएगा खाएगा।
सारी चीजें सोनी खा के रखी हुई रखी है जब हम पहले दिन फुकेट में गए ना जो पानी में आप लोगों ने मतलब पानी में जब यार उसमें इतना मजा आया इतना मगर हम कपड़े लेकर नहीं गए भैया ने बोला आपकी कुछ नहीं होगा वहां पर एक ही कपड़े लेकर जाओगे मैं एक ही लेकर गई वही जो आप बोल रहे ना इसी में नाचे जा रही है अगर मैं पर चार लेकर जाती ना तो चारों पहनती तो क्यों पहने अरे मैं लेकर चल भैया ने एक दिन बोला फिर बाकी दिन तो पहने ना हाँ मैम गाइस दीदी ने मुझे जितनी भी ड्रेस दी थी वो बोला कि एक तारीख के बाद पोस्ट करना सुन दीदी बेकार रहा मॉम घूमना सच में सुन दीदी पैसे क्यों करते हो सुन दीदी मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ बस पैसे नहीं थे हमारे पास ये मेरी है लिपस्टिक ये मॉम के लिए लिपस्टिक लेकर आई हूँ लिपस्टिक लेकर आई है ये नहीं ले सकती तुम अगर सिर्फ डार्क कलर बच्चे लगा दे चलो सुन दीदी आओ मैं लेकर आई हूँ सुन दीदी घर पर सिर्फ अपना सामान दिखाना है जो कि मैं कुछ ज्यादा लाई नहीं सिर्फ एक बैग लेकर आई हूँ टोट बैग तो वो मैं दिखाने के लिए लाई हूँ सुनिधि को ये है मेरा न्यू बैग कैसा लग रहा है सच बताना पागल हो गया रखो उसको उसमें मैं थोड़ा थोड़ा सामान देखो देखो सारे अपनी पॉकेट्स भर रही हूँ पागल हो सुनिधि हो गई है पागल इसमें टेडी भी है देखो ये भी मुझे इन्होंने फ्री दिया है तो ये रही हमारी गॉसिप गर्ल दोनों गॉसिप गर्ल्स सीजन 11 स्टार्ट हो चुका है हमारे घर में गाइस दीदी मुझे ड्रॉप कर रही है घर तक और मुझे क्या मिला दीदी का लंच बॉक्स अब मैं दिखाऊंगी दीदी क्या क्या लेकर जाती हैं सबसे पहले तो ये रसगुल्ले मतलब रसगुल्ले को लेकर जाता है और ये क्या दीदी अचार गाइस और भी बहुत सारी चीजें हैं दिखाना दीदी ये क्या है नमक का क्या काम और ये क्या दीदी दही चलो दही तो खानी चाहिए यार आप कितना खाते हो यार कितना खाते हो यार वैसे एक बात है ट्रिप पे जाने से पहले जो है सामान लगाने की जल्दी होती है ना ऐसे आने के बाद सामान बाहर निकाल के उसको साफ होने के लिए देने की भी जल्दी होती है अब मैं अपना सारा सामान अनपैक करता हूँ देखो मेरी हालत सामान की मम्मी ना हमेशा गुस्सा करती है देखे कि मैं कभी भी कायदे से लगा के नहीं आता सामान करना भी इसलिए मैं चुपचाप खोल रहा हूँ इसको मेरी गीता मैं हमेशा पढ़ता हूँ ये हमारी दीदी आई है बेबी और मैंने इनको दिए सारे कपड़े जो कि वहाँ जाने क्या कह रहे थे खूब मन सब लग रहा अच्छा भी ना लगा घर में सही में मेरे भी अच्छा लग रहा था घर में अब लग रही है रौनक दोबारा अच्छे बहुत बढ़िया तो गाइस जितनी खुशी घर वापस आने की थी उससे ज्यादा दुख अब मुझे हो रहा है मेरे दोनों जिगर के टुकड़े वापस जा रहे हैं और पता नहीं आज रुक सकते थे लेकिन इनको कुछ काम है थोड़ा सा दिल्ली में उसके बाद ये लोग जाएंगे दिल्ली के बाद रुड़की शायद हाय जिगर के टुकड़ो हो गया एक सेकंड लव हाय जिगर के टुकड़ों लेकिन गलत बात है जिगर के टुकड़े मतलब पेरिफेरल का रास्ता यहीं से है और पेरिफेरल जल्दी पहुंचाएगा ना कि गाजियाबाद से जल्दी पहुंचोगे हाँ हाँ बोलो बोलो स्कीम लगाओ बहन मत जा यार भैया बहन डिंपल पड़ते मैंने तो आज पहली बार देखा वो इधर देखा मेरे भी पड़ते हैं पिंपल आप अपनी पत्नी के अलावा घर वालों पे भी नजर दो मिकी माउस द क्लब हाउस तो मिस एंड मिसेस चौधरी जाने को रेडी मिस नहीं मिस्टर मैंने मिस्टर एंड मिसेस है अब वो कुमारे मैं हूँ मिसेस मिस्टर एंड मिसेस रावत और मारो नीतू एलविस्ट है नहीं नीतू एल रावत नीतू लखन रावत तुम मिस्टर हो जाओगे हाँ के रहो नहीं नीतू लखन रावत नीतू लखन रावत इस साल चुप रहो गर्मी देखो किसकी तरफ से ये देखो ये लोग इतना बैग अभी लेकर आए किसी दूसरी की शादी में जो हमारी शादी में होगा तो कितना लेकर आओगे तुम्हारी शादी में पहले भिजवा दूंगा गाड़ी में बैग दूसरी गाड़ी से हम उस गाड़ी में नहीं आ पाएंगे जिसमें बैग चलो गाना गा दो अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मैं तो नहीं गाऊंगी वरना लोग पागल हो जाएंगे देखो भैया ने लट रखा हुआ गाड़ी में भैया क्यों मारने लगन तुम फिर से स्टार्ट हो गए यार आदत थोड़ी छूटी एकदम से नहीं छोड़ना भी where, where you go? यार पता ना क्या है ये लो ओके गाइस बाय बाय खुद की देखने कैसी खड़ी है अरे यार मेरी गाड़ी बाय 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 नीतू उतरो बाय खुशी बाय उतरो नीतू और ये देख रही उतरो मिलना नहीं है बाय यार गाइस मेरी गाड़ी देखो कितनी गंदी हो रही है मैं कुछ भी लिख सकती हूँ
अच्छा तो फ्रेंड्स आप लोग वंडर कर रहे हो कि पापा क्यों नहीं दिखे, तो पापा किसी काम से लखनऊ गए हुए थे और पापा आज दोपहर तक वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी जस्ट पापा का फोन आया, उन्होंने बताया कोई हमारा फैन है जो कि दिल्ली से आया है यहाँ सिर्फ हमसे मिलने, तो मैं जरा एक बार उनसे मिल के आ जाऊँ। यार मुझे लग रहा है जैसे भी बताया कि हमसे कोई मिलने गेट पर आया, और मैंने बोला लगन पैदल चलते हैं, गाड़ी में जाएंगे और ज्यादा लोग हैं तो हम उनको नहीं बैठा पाएंगे, लगन बोला कोई बात नहीं हम लोग उतर जाएंगे। यार कहाँ है वो लोग, मतलब मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कोई भी आता है मुझसे मिलने, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है वो चले गए। अरे इसी तो फोन कर दो। तो हमसे मिलने आई है सुहांशी जी। हाय सुहांशी। हेलो, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। कहाँ रहते हो आप? दिल्ली में? हाँ। अच्छा, तो दिल्ली से मिलने के लिए आई है हमसे, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलने के लिए आते हैं, मतलब मॉम हम चारों से। दीदी बहुत प्यारी हो आप। आप भी बहुत प्यारे हो। इनका नाम कितना अच्छा है, सुहांशी। सुहांशी का मतलब क्या होता है? सुहांशी का मतलब आधा जो हंस का नाम होता है ना, वो उर्दू आता है। अरे वाह। तो जिस तभी दीदी ने बताया कि जब हमारे पास सूरज और यशी आए हुए थे तो दीदी ने यहाँ का लोकेशन का स्क्रीनशॉट लिया और ये ट्रैवल करके सुबह से आई और अब यहाँ आके पहुँची है। तो हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि उधर ऑटो नहीं मिलेंगे इनको, बिना हाँ। बात धूप में चलना पड़ेगा पैदल, तो हम दीदी आपको वहाँ तक ड्रॉप करेंगे, वहाँ हाँ। तो आपको मिल जाएगा। अब दीदी जा रही है, हमें बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे मिलके, सच में दिल से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप इतनी दूर से। अच्छा दीदी, इधर से आपको डायरेक्ट बस दिल्ली की मिल जाएगी, ये सारी बस वहीं की है, तो आप किसी में बैठ जाओ, ठीक है? ओके, ख्याल रखना दीदी अपना और सबको मेरा। अब हम आए हैं सब्जी लेने, उससे पहले हम नारियल पानी पियेंगे और फिर जाएंगे घर पर गुच्ची के पास। मेरा नारियल पानी कहाँ है भैया? चले अब घर, सारा सामान ले लिया हमने, गाइस घर का सारा सामान ले लिया, सब्जियां ले ली, नारियल पानी ले लिया, सब ले लिया, अब हम घरेलू लोग बन गए। हमारा एसी बहुत ज्यादा खराब हो गया, हमें इस रूम में शिफ्ट होना, आई मीन मुझे इस रूम में शिफ्ट होना, ये तो अभी अभी आए हैं। ये एसी जाएगा आप इस रूम में, ये रूम खाली है जब से मैं आई हूँ। अच्छा वैसे आप लोग बड़े प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो, आपने हमारी ट्रिप को बहुत मिस किया, लेकिन आपके लिए एक और सरप्राइज है कि ट्रिप अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, कल भी मैं, नीतू, अगर सब कुछ ठीक रहा तो भम्मू दीदी, कीर्ति दीदी भी, हम लोग साथ साथ में कहीं जा रहे हैं। अब आप लोग गैस करो हम कहाँ जा रहे हैं, और बहुत सुंदर लोकेशन है वो और बहुत आइकॉनिक जगह है हमारे इंडिया की, तो आप गैस करो भी कमेंट में बताओ हम कल कहाँ जाने वाले हैं। कल का आपको सुपर डुपर अच्छा व्लॉग देखने को मिलेगा, वो कहाँ का मिलेगा। मैं जरा हमारे गुच्ची महाराज जी को घुमाने निकला हूँ अभी। ओके सो गाइस, आज की नींद काफी कम हुई है, लगन है मुझे मेरी कम हुई है। तुम आए, उठ जल्दी उठ, पहले तो बहले इतनी बड़ी ठंड, जल्दी इसलिए उठ क्योंकि कल हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ की थोड़ी भी तैयारी नहीं करी इसमें। हम कहाँ जा रहे हैं सबको बताओ या नहीं? अभी नहीं बताया, अभी आपको बताया, आज नहीं बोलूंगा, आप लोग कमेंट में गेस करो कहाँ जा रहे हैं। हाँ अभी हम जा रहे हैं खैर पार्लर, लगन को अपनी पार्लर से पहले मैं घर जाता हूँ, और मुझे हेयर स्पा कराना है जी। यस, हेलो भाई, नमस्ते। सबसे पहले यार मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, फिर पाई आपके हैं, बस मैं एक चीज बताऊं कि जैसे नीतू आई ना तो दीदी ने पाई को बोला पाई आप गेस करो सबसे अगली कोई यहाँ पे आया है, तो दीदी बोली थी UGLY अगली, तो पापा ने बोला अगली, अच्छा नीतू आ रही है, तो पापा ने गेस करा, नीतू ने कहा पाई आपने मुझे अगली का, तो पाई को बोला की अगली नेक्स्ट वाला अगली, के पाई ने कहा अगली आ रही है वाली। आप बहुत कह रहे हो भाई, आपको लोग ये गलत कर रहे हैं, ये गलत उसमें कह रही थी ना, मैंने उसका सही अर्थ। अच्छा देखो, आज जो हमारे फ्रेंड्स आए थे उन्होंने आके फिर पाई को कॉल करा, तो पाई ने मुझे बोला कि बेटा जब भी दोपहर छोड़ती मैं तो आलस में था, पाई ने बोला कि बेटा जा मिल ऐसे नहीं, भाई आप बहुत प्यारे हो यार, सबका कितना ख्याल रखते हो, वो बहुत खुश होंगी फिर दीदी वाली जब हम कल जा रहे हैं, और हमारे साथ सुंदरी दीदी जा रही है। वाओ मेरे लिए सैंडविच बनवाया सुंदरी दीदी ने, ये भाई नीतू जो आपके लिए लाई है आपने देख लिया, वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई है। मैंने तो देखा ही, क्यों नहीं देखा? क्या लाई है पाई के लिए? मैं आपके लिए तो लेकर आई है। क्या लाई है? दिया नहीं अभी? पाई के लिए मैं एक लेकर आई थी सामान, मुझे नाम नहीं पता। अच्छा, यही रखा हुआ है कहीं मेरे लिए। उससे बात कर ली जो कड़ा खोया ही है? बात तो कर ली पाई। हाँ कब तक मिल जाएगा? मंडे तक मिल जाएगा। मैं जब भी कोई इंडिया आएगा ना वहाँ से, तो उसके हाथ कड़े को वापस भेज देंगे। रिश्तेदार हो जो भेज देंगे, बहुत अच्छे हैं। कोई ना भेजेगा, नहीं कोई आई ये बाप नहीं कुछ, अभी तो मैं न जाने देती कहीं। हम चली, हम चले थे विदेश घूमने, हम ब्लॉग बनाएंगे, ये बनाएंगे, मतलब चीज और रखी आई पाई। पाई बिगाड़ तो आपने रखी है, तो कैसे हंस रहे हैं? दिखा रही अत्याचार कर रही है इस पर भाई, बिगाड़ी हुई आपके। तू चल इसकी कंप्लेंट करो, मैं तेरे साथ में ना, मैं तेरे फेवर में कहूंगा, हमारी मेरे साथ मेरे खिलाफ जाओगे? मैं ही काम आ रही हूँ यहाँ पे, अभी अभी ऐसे दौड़ पाओ कि कोई साथ नहीं देगा, मैं ही दूंगी। क्यों नहीं देगा? अभी मन आ रहा सीरो, ऐसा कैसे कर रहे हो? सीरो तो सीरो को देगी मम्मी, सीरो को ऐसा नहीं, मम्मी को नहीं जाते। मम्मी आप मेडिको करा, वो चल रहे कुछ बाल कटवाना ना, कल वहाँ चलते फिर। चलो अब मैं जगह का नाम मत बताना, अभी हमने अभी सस्पेंस नहीं खोला। कोई पक्का नहीं, पक्का है, मेरा नहीं है। पाई का आज पेट खराब हो रहा है, सॉरी टू से।
बहुत ही प्यारी है मेरी, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा काम करके आई है। अब अगली बार चली जाएगी ट्रिप पे सर, मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। मैं आपने हाँ इसने व्लॉग में बोला भी है कि मॉम ने कहा था मॉम और सोनी दीदी को जाना है शादी में, पाई को सभी लोग जा रहे हैं। देखो हम लोग चैन से जाने दे रहे हैं, दीदी भी आगे भी ना बात, हम लोग सिर्फ पार्लर जा रहे हैं, मॉम और दीदी पार्टी में जाएंगे आज रात। और मॉम लखन को गुस्सा कर रही है कि मेरे को लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो अब हम आगे हैं पार्लर। सोनी दीदी आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, आपके करवा घर जाओ वापस। कटिंग कटिंग करा रही है। हम लोग आ गए हैं और हमें नंबर नहीं मिला क्योंकि हम कॉल करके नहीं आए। सोनी दीदी आप खा जा रही हो आज पार्टी में, मॉम को होश नहीं है कि मॉम की वीडियो बन रही। लखन अब सोचो कि अगर तुम्हारा हेयर कट नहीं हुआ फिर तुम चले जाओगे ऐसे ही, तुम्हारी हेयर ग्रोथ इतनी जल्दी क्यों जाती है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी मम्मी से बात और मुझे इग्नोर किया जा रहा है। फ्रेंड्स हमें बहुत जल्दी वहाँ से आना पड़ा क्योंकि पापा की जो तबीयत खराब थी वो ज्यादा हो गई है, हम पापा को जरा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वैसे मुझे लग रहा है उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, कल वो जहाँ पे थे लखनऊ में किसी पार्टी में गए हुए थे वहाँ खाना खाने के बाद से उनकी तबीयत ऐसी है। तो मैं मम्मी दोनों बहुत जल्दी से आए हैं और पापा को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। गाड़ी हमें सब छोड़ के भाग गए, मॉम भी चली गई, लखन भी चले गए, ड्राइवर अंकल भी भैया भी चले गए और सोनी दीदी मैं अकेले हो गए। इस वक्त पे हमारा साथ जो दे सकता था वो करण था, इसलिए हमने करण को तुरंत फोन किया कि करण करण जल्दी आ गया, करण एक मिनट में आ गया। वाह करण वाह बहुत क्यूट है करण, पार्लर से मुझे पता चला कि पाई की तबीयत खराब हो गई है, पाई और मॉम डॉक्टर के पास है, लखन भी वहीं पर है। तो मैंने गाड़ी उठाई और मैं सीधा निकल पड़ी हूँ उन लोगों के पास उनसे मिलने। तो मैं भी आपको अपडेट देती रहूंगी कि पाई को क्या हुआ है एग्जैक्टली। हम आ गए घर पर और पाई की तबीयत क्या खराब हुई थी मॉम, पाई से बात करो, पाई से पूछो, पाई बताएंगे, पाई आ जाओ, ये मास्क फेंक दो, ये तो बाहर लाओ, डस्टबिन में फेंको, इधर लाओ। पाई क्या हो गया था, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग हो गई पाई को, जल्दी ठीक हो जाएंगे पाई। पाई और मॉम को घर छोड़ के हम आए लखन को पिक करने के लिए क्योंकि लखन अभी गए थे पार्लर और लखन आगे, लखन को गुची भी हमारे साथ है, अभी देखना लखन के रिएक्शन से जानते हैं। लखन आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, पीछे देखो, ओए गुचू तो फ्रेंड्स अपडेट ये है कि मैंने अपने बाल कटवा लिए। दूसरी अपडेट ये है कि पापा की जो तबीयत खराब है डॉक्टर ने बोला उनको थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हो गया क्योंकि आपको पता है वो पार्टी में बाहर गए हुए थे, उन्होंने वहाँ खाना पिया क्या खाया पता नहीं, तो उसकी वजह से शायद उनको फूड पॉइजनिंग हुआ है और पापा को दवाइयां मिल गई हैं, शायद सुबह तक वो थोड़ा बेटर फील करेंगे। अगर पापा सुबह तक ठीक हो जाते हैं तो मैं अपने कल वाले ट्रिप पे जाऊंगा, अगर नहीं हो जाते तो फिर मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, पोस्टपोन कर दूंगा आगे के लिए। और हम घर पर आ चुके हैं और पाई बोल रहे हैं कि पाई की तबीयत काफी ठीक लग रही है। पाई ठीक लग रहा है अब आपको, मॉम क्या कहोगे आप, अच्छा लग रहा है, पाई कैसा लग रहा है आपको, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत थोड़ा ठीक है। कल पाई भी जा रहे थे हमारे साथ मगर इस वजह से पाई जा नहीं पाएंगे क्योंकि पाई की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है और मॉम पाई का ध्यान रखेंगे इसलिए पाई मॉम भी नहीं जा पाएंगे। आप दोनों नहीं जा पाओगे ना, कोई बात नहीं, हम आप दोनों कल रेस्ट करना और बाहर खाना पीना मत कुछ बिहार का। नीतू हमें अपने साथ लेके जा रही थी हमें घुमाने, हाँ उसके बाद क्या हुआ कि हमारे खर्चे के पैसे हमें ही दे जाएगी यहीं पे, हम रेस्ट करेंगे, पैसे भी रखेंगे अपने, नहीं मैं वहाँ से शॉपिंग कराऊंगी आपके लिए, शॉपिंग कराऊंगी दोनों के, अच्छा चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर, लगन वहीं से पिक कर लेना मुझे, आ जाऊंगी आ जाऊंगी। सुनो हम लोग चारों कहाँ जा रहे हैं कुछ दिनों में, अभी बताना मत गाइज, हम चारों ट्रिप प्लान कर रहे हैं साथ में और बहुत ही अच्छा ट्रिप, किसी भी दिन लखन जो है ना वो बहादुर को बता देगा। हाँ लोगों ने बहुत कमेंट्स किए हैं कि लखन ने ये इतना बड़ा बेवकूफ है, ये जल्दी जल्दी में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना, ये उसके बाद कुछ भी बता सकता है ये, लेकिन उस दिन क्यों क्या था लोगों ने नोटिस करके मुझे याद दिला दिया तो मुझे पता चला कि मेरे से गलती हुई है और गलती मान लेनी चाहिए, ठीक है कोई मैं बहस नहीं करूंगा, ये बता मत देना, जल्दी हमारे पूरा फैमिली ट्रिप देखोगे और बहुत एंजॉय करोगे। हाँ अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट करके आपको वो तो बताना है कि आप गैस करोगे ना हम कहाँ जाने वाले हैं। बाकी मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, सबको घर में मेरा नमस्ते, सबको मेरा प्यार, बाय बाय।